हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कर्नाटका नहीं बल्कि महाराष्ट्र में हैं और अभी बज रहा है सुबह का 6 और हम लोग अभी निकल गए हैं खराड़ी पुणे से शिरडी के लिए बाय रोड। और इस बार हम लोग सेल्फ ड्राइव नहीं किए हैं और हम लोग जा रहे हैं रेंट के थ्रू। तो सब डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आप कहाँ से बुक कर सकते हैं, कौन सा ड्राइवर मिलेगा, कितना प्राइस लगेगा, वो सब डिटेल्स के लिए आपको मेरा इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं शिरडी एंड वहाँ से हम लोग शनि शिंगणापुर की तरफ जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाए। से शिरडी का जो डिस्टेंस है वो 186 किलोमीटर्स है और पहुंचने में हम लोग को 4 से 4.5 घंटे लगेंगे, लेकिन हम लोग के जो ड्राइवर भैया है वो बोल रहे थे कि हम लोग सुबह सुबह निकले हैं जिसके वजह से हम लोग बाय 3 घंटा में हम लोग पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कितना टाइम तक पहुँचते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। शिरडी एक टाउन है महाराष्ट्र में जो साई बाबा टेम्पल के लिए फेमस है। इस टेम्पल के अंदर आपको समाधि मंदिर, द्वारका माई, एक मॉस्क जहां साई बाबा रहा करते थे एक टाइम पे, और एक गार्डन दिखने मिलेगा। शिरडी जाने के लिए आप बाय एयर, बाय रोड या बाय रेल से जा सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो शिरडी एयरपोर्ट पड़ेगा, जिसका डिस्टेंस एयरपोर्ट से टेंपल तक का अराउंड 15 किलोमीटर्स है। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो पड़ेगा वो है साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन, जिसका डिस्टेंस इज़ अराउंड 2.7 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू द शिरडी टेम्पल। हम लोग पुणे से शिरडी आए थे डे ट्रिप के लिए, वापस रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ आके रहना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। यहाँ आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे, अफोर्डेबल प्राइसेस में आप रह सकते हैं। लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। साथ ही श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट का एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अकोमोडेशंस चेक करके ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अराउंड 9 बजे हम लोग शिरडी पहुंच गए और इस जगह पे हम लोग अपना गाड़ी पार्क किए। पार्किंग चार्जेस हम लोग को पड़ा 50 रुपीज़ और अपना सामान हम लोग सब गाड़ी पे ही छोड़ दिए थे। सेलफोन्स हम लोग लॉकर में डाले और शूज़ भी अपना जो था वो शूज़ स्टैंड पे रखे। तो बेसिकली आपको बहुत सारे ऐसे लॉकर रूम्स मिल जाएंगे जहाँ पर अपना सामान सबमिट कर सकते हैं। और फिर हम लोग गेट नंबर 7 के थ्रू दर्शन के लिए गए। दर्शन के लिए सीनियर सिटीजन्स का अलग लाइन है और आप अगर जल्दी दर्शन करके आना चाहते हैं तो आपको 200 रुपीज़ दे के आप दर्शन कर सकते हैं। एंड अगर आप फ्री में दर्शन करना है आपको, तो आपको लाइन में लग के अराउंड 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको पूरा दर्शन कम्प्लीट करने में, एंड देन आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं। दर्शन के बाद आपको प्रसाद के तौर पे एक पैकेट लड्डू मिलेगा और एक पैकेट विभूति मिलेगा। अच्छा से दर्शन हो जाने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं श्री साई प्रसादालय, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर फ्री फूड किचन है। इसका जो सीटिंग कैपेसिटी है ये 3500 लोगों का है और आपको प्रसाद के तौर पे दाल, चपाती, राइस, 2 टाइप का सब्ज़ी और एक स्वीट मिलेगा। यहाँ का टिकट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम लोग यहाँ पे प्रसाद एंजॉय किए, इसके बाद हम लोग शनि शिंगणापुर की तरफ निकल गए।
शिरडी से शनि शिंगणापुर का जो डिस्टेंस है ये अराउंड 73 किलोमीटर्स है और पहुंचने में हम लोग को 1.5 घंटा लगेगा। शनि शिंगणापुर एक विलेज है महाराष्ट्र में जो शनि टेंपल के लिए फेमस है, तो अगर आप शिरडी जा रहे हैं तो शनि शिंगणापुर ज़रूर दर्शन कीजिएगा। अभी हम आपको गाड़ी का डिटेल्स बता देते हैं। तो बेसिकली ये कैब हम लोग साई टूर्स एंड ट्रैवल से बुक किए थे फ्रॉम पुणे, एंड इसका जो राउंड ट्रिप हम लोग को पड़ा 5,500। पुणे से शिरडी के बीच में कोई भी टोल नहीं गिरता है तो इसका भी प्राइस हम लोग को नहीं पड़ा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उनसे कैब बुक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को रोका गया और 10 रुपीस लिया गया एज पिलग्रिमेज टैक्स, एंड फिर हम लोग एकदम शनि शिंगणापुर का जो टेंपल है एंट्रेंस के पास वहाँ पे अपना गाड़ी पार्क किए एंड अंदर गए दर्शन के लिए। बीच में आपको बहुत सारे लोग रोकेंगे ये बोलने के लिए कि इधर गाड़ी पार्क कीजिए, आप यहाँ से सामान खरीदिए, यहाँ से शॉर्टकट है, लेकिन रुकना नहीं है, आप डायरेक्टली मंदिर के तरफ जाइए। वहाँ पे एक नया एंट्रेंस बना है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, वहाँ पे बहुत बड़ा सा आपको पार्किंग एरिया है, वहाँ पे पार्क कीजिए। आपको जो भी पूजा का सामग्री खरीदना है आप वो सब दुकान से खरीदिए एंड दर्शन करने जाइए। ये मंदिर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अच्छा से दर्शन हो जाने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ से और बीच में शुगर केन जूस पिए जिसका प्राइस पड़ा हम लोग को 30 रुपीज़ पर ग्लास, और फिर अराउंड 7:30 पहुँच गए पुणे। आज का वीडियो बस इतना सा ही था। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।